हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हैरामी पैटर्न। ये एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में बुलिश ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड का सिग्नल या एक्चुअल ट्रेंड हमें बताता है। इस पैटर्न को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कैंडलस्टिक का फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे द बुलिश हरामी इज अ लॉन्ग कैंडल स्टिक फॉलोड बाई अ स्मॉल बॉडी दैट इज कम्प्लीटली इन साइड द रेंज ऑफ द प्रीवियस बॉडी। इट मीन्स कि एक जो डार्क बॉडी होगा, चाहे ग्रीन का हो चाहे रेड का हो, उसे एक छोटा सा स्मॉल कैंडल को वो कम्प्लीटली कवर करेगा, कम्प्लीटली उसे ढक देगा। सेम लाइक अ इंगुल्फिंग, लेकिन इंगुल्फिंग में क्या होता था कि जस्ट अपोजिट होता था, एक स्मॉल बॉडी को एक बड़ी सी कैंडल जो है उसे कवर कर दी थी। यहाँ पे क्या है, बड़ी से कैंडल एक छोटे से कैंडल को कवर कर रही है, जस्ट अपोजिट टू द इंगुल्फिंग पैटर्न। ठीक है, हरामी पैटर्न से मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड और मार्केट में एक अच्छी बाइंग या सेलिंग हम बना सकते हैं, एक अच्छा ट्रेंड या ट्रेड हम इसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए, इसमें दो चीज़ें होती है, एक बुलिश हरामी पैटर्न है, ठीक है, एक बेरिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, तो पहले हम आपको ग्राफिकल एनालिस्ट के थ्रू या कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि बुलिश हरामी पैटर्न कैसे बनता है, मार्केट किस तरीके से बाइंग होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए हम अगेन जाएंगे investing.com पे और वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न खोलेंगे। बैंक निफ्टी का कैंडल स्टिक पैटर्न खुला हुआ है, यहाँ पे हम बुलिश हरामी पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बुलिश हरामी पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें ढूंढना होगा, चलिए हमें मिल गया है। ठीक है, हमें बुलिश वाला मिल गया, ये यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है जब आप इंट्राडे। ये 1 आवर का ग्राफ है, ठीक है, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक बड़े से डार्क कैंडल को एक छोटी सी ग्रीन कैंडल को कवर किया हुआ, बड़ा सा डार्क कैंडल कवर किया हुआ। इसके बाद आप देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ऐसे पॉजिटिव गया है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके के लेवल बनते हैं, यहाँ पे हम बाइंग कैसे करनी है, एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो हमें जो हमारी बाइंग होगी, ये हमारा बेस लेवल है। ठीक है, हमारी बाइंग यहाँ से होगी, इसके हाई के अबव से, जो दूसरा कैंडल बना है उसके हाई के अबव से। ठीक है, टारगेट्स हमारे जब तक ये अपर ट्रेंड में है, जैसे यहाँ तक का, तो ये हमारा टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस हमारा ये प्राइसेस होंगे, ये स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, तो मैं इसे टेक्स्ट कर देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। ये एसएल है, एंट्री होगी और ये वाला जो है ये टारगेट होगा। टारगेट, ठीक है, तो हमने यहाँ से एंट्री किया और हमने एक एसएल दिया। ठीक है, एसएल कितने पॉइंट का है, जैसे 90,800 से बाइंग हो रही है और समथिंग 880 से बाय हो रही है और 840-820 का एसएल है, यानी 50-60 पॉइंट का एसएल देके हम कितने पॉइंट का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे 970 यानी 100 पॉइंट के अबव। ठीक है, ये इंट्राडे ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने इस पैटर्न का यूज करके, हरामी पैटर्न का यूज करके हमने 100 पॉइंट की कॉल बना ली जो कि प्योर एक्यूरेट गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हमें एग्जिट कब होना है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक छोटा सा हैंगिंग मैन टाइप का फॉर्म किया। जैसे हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, हमें पता है कि हैंगिंग मैन अगर अपर बॉडी पे फाउंड आउट होता है तो मार्केट वहाँ से डाउन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आया है। ठीक है, तो बस आप इस कैंडल स्टिक का यूज करके आप मार्केट में देखिए, यहाँ से नीचे गिरा है, यहाँ पे एक छोटा सा हैंगिंग मैन फाउंड आउट हुआ है, फिर मार्केट वहाँ से गिरा और गिरता गया, कई बार हैंगिंग मैन फाउंड आउट हुआ है। ये देखिए, एक ये हैंगिंग मैन फाउंड आउट हुआ है,
वेलकम टू कैपिटल एक्वायर। अब हम देखेंगे कि हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीरिश हैरामी पैटर्न, ठीक है, हमने बुलिश हैरामी पैटर्न देखा कि कैसे मार्केट वहाँ से बाय हो रहा है और हमें एक अच्छा रिटर्न मिला। सिमिलरली हम बीरिश हैरामी पैटर्न में देखें, बीरिश हैरामी पैटर्न में क्या है, जस्ट अपोजिट, मतलब कि जैसे बाइंग ट्रेंड बन रही है और एक छोटा सा रेड बॉडी छोटा सा कवर कर रहा है, ठीक है, बड़ा सा ग्रीन बॉडी जो है छोटे से रेड बॉडी को कवर कर रही है, मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीन बॉडी एंड ए स्मॉल रेड बॉडी दैट इज कम्प्लीट इन साइज द रेंज ऑफ द व्हाइट बॉडी, मतलब कि एक जो ग्रीन बॉडी है उसको कम्प्लीटली कवर कर रहा है रेड बॉडी को, ठीक है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा लाइव मार्केट में, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना है। बुलिश हैरामी क्या होता है, देखिए कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आ रहा है और एक ग्रीन बॉडी जो है कवर हो रही है, तो मार्केट यहाँ से बाइंग हुई है। सिमिलरली यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश है और एक छोटी सी रेड बॉडी आई है, रेड कैंडल बना है, तो मार्केट यहाँ से गिरा हुआ है। ये जो है इसको कवर कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम मार्केट में कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म होगा ये देखते हैं, ठीक है। चलिए ये कैंडल स्टिक खुला हुआ है investing.com पे, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बीरिश हैरामी पैटर्न, ठीक है। चलिए तो मैं आपको मेरे ग्राफ में यहाँ पे बीरिश हैरामी पैटर्न दिखाता हूँ, छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बन रहा है बीरिश हैरामी पैटर्न का, ये वाला, ठीक है। ये जो ग्रीन बॉडी है इस रेड बॉडी को कम्प्लीटली कवर कर रही है, ठीक है। और ये देखिए इसके पहले यहाँ पे एक जो ट्रेंड बना था, ये बुलिश ट्रेंड बना था, ठीक है। जैसे ही एक छोटा सा रेड बॉडी बना उसे कवर कर रहा है, यहाँ से हमारा बीरिश का ट्रेंड बन गया, ठीक है। तो ये बीरिश का कितने दूर तक का गया है ट्रेंड, कितने नीचे गया है, ये यहाँ तक आया है, ये यहाँ तक डाउन आया है, ठीक है। तो इसमें हमारा लेवल क्या बनेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा, ये जो लाइन दिखा रहा हूँ नीचे का ये, ठीक है। इसकी सेलिंग पोजीशन क्या होगी, ये जो इसका जो लो होगा, यानी कि इस वाले पैंडल कैंडल से हमने यहाँ से सेल किया, ये सेल की होगी, एंट्री पोजीशन होगी। और इसका जो टारगेट होगा लास्ट कैंडल जो बनेगा यहाँ तक का, ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे टेक्स्ट करके बता देता हूँ कि क्या है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से इसे समझ पाएँ, ठीक है। ये जो लेवल होगा ये SL है, ठीक है। ये बीरिश हैरामी, ये एंट्री है और ये जो लेवल है ये वाला, ये वाला जो लेवल है ये टारगेट होगा, टारगेट होगा, ठीक है। SL है, एंट्री है, टारगेट है, ठीक है। SL क्या होना चाहिए, देखिए अब हम देखते हैं कि जब हमने एंट्री लिया था 19,920 है और SL सिर्फ हमने 20 पॉइंट का SL के साथ अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक हमने इसे शॉर्ट किया, या बीरिश हैरामी पैटर्न के अकॉर्डिंग ने इसे सेल किया, हमें कितने पॉइंट ऑलमोस्ट मिल रहे हैं 840, और हमने सेल किया किससे किया था 980 से, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमने 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 150 पॉइंट का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैरामी पैटर्न का बहुत बेस्ट यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो मैं कैंडल स्टिक आपको बता रहा हूँ 4-5 कैंडल, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है और इसका हम कंप्लीट यूज करके हम बहुत अच्छे से रिटर्न निकाल सकते हैं, जैसे इंगुलफिंग, हैमर, हैरामी, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट कैंडल है, आप सिर्फ इन्हीं को जान लेंगे तो आप मार्केट में किसी भी टाइम पर आप बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कि ये और भी नीचे का लेवल गया है, देखिए ये जो हमने स्टॉप लॉस बनाया है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे लॉन्ग टर्म अगर होल्डिंग में भी बनाए ना, ये देखिए ये जैसे हमने बनाया एक बड़ा सा, ये इस SL को कभी ब्रेक किया ही नहीं और ये मार्केट पूरा एकदम डाउन जाते ही गया है, तो हम 400-500 पॉइंट